नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई ओमान के बारे में। जी हाँ भाई, ओमान की आपको पता है भाई फ्लाइटें स्टार्ट हो चुकी हैं 1 सितंबर से। जी हाँ, उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे कि भाई कौन कौन लोग जा सकते हैं, कौन से वीज़ा वाले जा सकते हैं, कोविड वैक्सीन वाला क्या प्रोसेस रहेगा और टिकटों का क्या बारे में हम टिकटों के बारे में भी बात करेंगे और कितने प्रकार के आप टिक्के लगा सकते हैं, किन लोगों के जो लोग वीज़ा एक्सपायर हो गए वो भी जा सकते हैं, वीज़ा आप लोगों के बढ़ा दिए गए। जी हाँ भाई, पूरा हम डिटेल से बात करेंगे। वीडियो आप पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रख सकते हैं ताकि हर रोज़ आपको ओमान से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आपको बताया भाई 1 सितंबर से फ्लाइटें स्टार्ट हो गई है और मुझे लगता है ओमान सरकार ने जितनी सॉफ्ट तरीके से फ्लाइटें स्टार्ट की है ना, यूएई की तरह चक्कर नहीं कटवाए, घुमाया नहीं उन्होंने एक जाल, वो चक्रव्यूह वाला सिस्टम नहीं किया कि भाई चक्कर तोड़ते रहो, निकलते रहो, उसमें से लोग फंस फंसा के वहीं रह जाते हैं, ऐसा सिस्टम नहीं है। ओमान ने क्लियर तरीके से फ्लाइट स्टार्ट कर दी है 1 सितंबर से। जी हाँ, अब आपको अच्छी न्यूज़ मैं ये बता दूं, सबसे पहले बड़ी बात यह है कि भाई जी हाँ, ओमान सरकार ने और ओमान जो रॉयल पुलिस ओमान है उन्होंने एक अच्छी बात यह बताई है कि 1 जनवरी 2021 से लेके दिसंबर लास्ट 31 तक जितने भी वीज़ा एक्सपायर होंगे हम सबको रिन्यू कर देंगे। जी हाँ, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है भाई, जो जनवरी 2021 से अब तक जो वीज़ा एक्सपायर हुए हैं ना, उनको सबको एक्सटेंड कर दिया जाएगा और वो भी फ्री में, उनका कोई पैसा कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि हो सकती है। अब ये किस तरह से आपको करना है वो आप अपने जो आपका कफील है, आपकी कंपनी है, उनसे कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। जी हाँ, अब आप मान लीजिए फ्लाइट पकड़ते हो कि भाई हमें जाना है, तो एयरपोर्ट पे आपको बोल दिया जा सकता है कि भाई आपका पासपोर्ट, आपका वीज़ा तो रिन्यू नहीं है, तो ये आप अपना प्रोसेस करवाइए आप कंपनी से या अपने कफील को बोल के कि भाई हम जो जो ये वीज़ा एक्सपायर हो चुका है इसी वीज़ा पे आना है, या फिर आपको एक कोई दूसरा वीज़ा, दूसरा लेटर, कोई अथॉरिटी कुछ देना पड़ेगा। ये आप अपने प्रोसेस अपने हिसाब से आपको अपनी कंपनी से आपके मालिक से करना होगा। जी हाँ, और जिन लोगों के भाई वीज़ा एक्सटेंड वीज़ा में समय पड़ा है वो भी एक बार अपनी कंपनी से अपने मालिक से कन्फर्म कर लें, कहीं आपको एयरपोर्ट पर दिक्कत आ जाए या फिर कुछ अलग से कोई अंदरूनी प्रोसेस हो सकता है, तो आप डिटेल से ले सकते हैं। बाकी 1 सितंबर से आप लोग जा सकते हैं, ये आप लोगों के लिए अच्छी बात है। जी हाँ, और बता दूं आपके पास PCR रिपोर्ट टेस्ट होना चाहिए और दोनों डोज लगी हुई होनी चाहिए भाई, ये आपको आपको ध्यान रखना है। और दोनों डोज तो यार वैसे भी आप इतने साल इतने महीने से बैठे हो, दोनों डोज तो सब लोग बेचारे लगा के आप बैठे ही हो। इसमें 8 प्रकार के टीके सऊदी ओमान सरकार ने सबसे ज़्यादा टीकों की भी लिस्ट दी है भाई। 8 प्रकार के टीकों में से कोई भी टीका अगर आपके लगा है, जिसमें बात करें फाइजर है, बायोटेक है, एक्सपोर्ट है, एक्स्ट्राजेनेका है, स्पुतनिक है, सिनोवेक है, मॉडर्न है, जॉनसन एंड जॉनसन है, सिनोफार्म, कोविशील्ड, एक्स्ट्राजेनेका का, ये कोविशील्ड वाला इंडिया में है भाई, आप अगर इंडियन हैं तो कोविशील्ड आप लगवा के आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। जी हाँ, ओमानी के जो लोग लोकल ओमान के हैं उनको बिना टीके या बिना टीके उनको आया जा वो लोग आएंगे, लेकिन उनको भी कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी, क्वारंटाइन वगैरह जो भी है, अगर वो टीका लेके नहीं जाते हैं। लोकल ओमानी लोगों की मैं बात बता रहा हूँ। जी हाँ, अब ये बहुत अच्छी बात है भाई कि भाई एक तो देखिए डबल फायदा, एक तो 1 सितंबर से फ्लाइट ओमान की स्टार्ट हो चुकी है, एक वो है और एक अच्छी बात और बता दूं भाई, रॉयल ओमान पुलिस ने ये घोषणा कर दी है कि हम जल्दी सभी प्रकार के वीज़ा स्टार्ट करने वाले हैं। जी हाँ, तो हो सकता है 1 या 2 सितंबर को ये वीज़ा भी स्टार्ट कर दें, जिसमें वर्क परमिट वीज़ा हो सकता है, विजिट वीज़ा हो सकता है, जो अभी तक उन्होंने रोक के रखे थे उनको भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। सेकंड में जिनके वीज़ा एक्सपायर हुए जनवरी 2021 से लेके अब तक, उन वीज़ा को भी एक्सटेंड किया जाएगा, बिल्कुल फ्री में, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। जी हाँ, उनकी सऊदी और कुवैत तो भाई एक एक महीने का या कोई धीरे धीरे झटका दे दे के बढ़ाते हैं, ये पूरा एक साथ ही बढ़ा दिया, पूरे 1 साल का वीज़ा एक साथ में एक्सटेंड कर दिया। जी हाँ, तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। अब जिनके वीज़ा एक्सपायर हुए हैं वो किस तरह से जाएंगे वो आप अपने कफील से या कंपनी से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा भाई, इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे इतना कोई अपडेट आया नहीं है, आता तो मैं आपको बता देता, लेकिन जा सकते हैं क्योंकि वीज़ा एक्सटेंड होंगे तो आप जा सकते हैं। कोई अब वो वीज़ा एक्सटेंड किस तरीके से होंगे, आप जैसे वहाँ के रॉयल जो ओमान पुलिस का सिस्टम है उसमें अपडेट होंगे, या फिर आपको कोई अलग से कोई अथॉरिटी लेटर कंपनी द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, ये आप अपनी कंपनी से बात करें। बाकी ये तय है कि वीज़ा एक्सटेंड हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिनके वीज़ा अभी वैलिड पड़े हैं वो तो भाई 1 सितंबर से बिना कुछ कोई दिक्कत हुई वो जा सकते हैं, अपना टिकट लें, दोनों डोज लगाएं, PCR रिपोर्ट साथ में लें, हालांकि PCR रिपोर्ट का यहाँ पे जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी आप ले लें, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, अच्छी बात है। तो बस सिंपल तरीके से आप जा सकते हैं। जी हाँ, अब बात कर लें भाई टिकट के बारे में, तो भाई टिकट का देखिए, टिकट एक बार तो महंगी होगी क्योंकि 1 सितंबर से टिकटें स्टार्ट हैं, फ्लाइटें स्टार्ट हैं,
तो लोग क्या है कि एकदम अंधे होके पड़ेंगे, और जहाँ पे भीड़ टूटती है, भीड़ पड़ती है, तो आपको पता है चीज़ थोड़ी होती है, लोग लेने वाले ज़्यादा होते हैं, तो कुछ थोड़ा बहुत आता हो तो फिर वहाँ पे महंगाई बढ़ने लग जाती है। तो फ्लाइटों का सेम ऐसा ही सिस्टम है। देखिए, आपके वीज़ा में थोड़ा बहुत समय है, पड़ा है, और अभी तो भाई 1 जनवरी से लेकर सब वीज़ा वाले बढ़ा दिए, एक्सटेंड हो जाएंगे, तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए। जैसे 1 सितंबर से टिकट स्टार्ट है, 10 या 12 तारीख तक आप सितंबर तक अगर वेट कर लेते हैं, टिकटों के भाव में आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा डाउनफॉल। जी हाँ, क्योंकि जो टिकट अभी 30,000 के करीब आएगी, ये समझ सकते हैं कि वो 20,000 में आपको 8-10 दिन के डिफरेंस में आपको इतना डिफरेंस मिल सकता है। जी, टिकट बुक करने वाले थोड़ा तरीके से करें भाई, चार जगह पूछ के करें, क्योंकि एक साथ टिकटों का भी भाई जो एजेंट लोग बैठे ना, ये अच्छा पैसा खासा कमाने की, पहले इनका टारगेट एक टिकट में 500-700 रुपये होता था, जहाँ तक मुझे थोड़ा बहुत पता है, क्योंकि ये अपने मुँह से बोलते थे, अभी इनका टारगेट एक बंदे में 5,000-7,000 रुपये खाने का होता है। जी हाँ, अब किस तरह से खाते हैं ये तो भाई हर आदमी अपने धंधे का मास्टरमाइंड होता है, तो वो अपने तरीके से कर लेते हैं। तो 4-5 जगह टिकट पूछें जानकार को, दूसरे को मार्केट में, भाई ये तो है नहीं कि एक ही जो एक ही शॉप है वहीं पे टिकटें बनती हैं, ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, फिर उनके पास जा सकते हैं, थर्ड चौथी जितने भी लोग हैं 4-5 जगह ट्राई करोगे, जिसमें जो कम पैसे में टिकट बना रहा है उनसे टिकट बनवाइए आप, तो ये अच्छी बात है ना कि एक ही बंदा कोई जानकार है, कोई खास है, मित्र है, भाई ले भाई पासपोर्ट मेरी टिकट बना दे, तो भाई वहाँ तो फिर आपके साथ गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि पैसा जो है वो ही लेंगे, फिर तो आपसे भी ज़्यादा भी देना पड़ सकता है, समझ गए। और जानकारी में ऐसा भी नहीं कि यार चलो मैं इतने कम दूंगा, ये दूंगा, अनजान जगह के पास आप 4 जगह तो नेगोशिएशन कर सकते हैं, कमबत्ती कर सकते हैं, लेकिन जानकार के साथ ऐसा नहीं होता है। जी हाँ, तो टिकट बनाते हुए थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। आगे भाई, अगर मैं मेरी तरफ से बोलूँ तो जिनके वीज़ा 1 जनवरी 2000 से पहले एक्सपायर हो गए, उनका तो अब क्या करना है, उनका तो वो मेट्री ख़त्म हो गया, पुरानी बात हो गई ना, वो तो गए, वो तो उनको भूल जाना चाहिए। नए वीज़े अभी शुरुआत हो जाएंगे, तो जिनके वीज़ा एक्सपायर हुए हैं वो नया वीज़ा लें। नया वीज़ा अभी सितंबर 100% 10 सितंबर से पहले पहले ये नई घोषणा हो सकती है, रॉयल ओमान पुलिस की तरफ से बताया गया है। और आप अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाएं या तो कंपनी की तरफ से, या जो रॉयल ओमान जो पुलिस सिस्टम है उसके माध्यम से भी आप अपना वीज़ा रिन्यू करवा सकते हैं जिनके वीज़ा एक्सपायर हो गए, तो ये अच्छी बात है भाई। तो ओमान ने अच्छी न्यूज़ दी है आप लोगों के लिए, जो इंडियंस हैं, अलग अलग देशों में लोग रहते हैं, 1 सितंबर के लिए आप 1 सितंबर से आप जाने के लिए तैयार हो जाइए। तो लगभग बातें मैंने बता दी है, और आप अपने स्तर पे ट्राई कर सकते हैं, आप अपनी कंपनी में भी जानकार होंगे, या फिर आप अपने कफील के साथ में जो भी आपकी बातचीत होती है उसके हिसाब से आप जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। बस ये अपडेट देनी थी साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय।